नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, ये हमारी जो 5 वीडियो की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपके लिए आर्मी के सभी ट्रेड्स के बारे में बताने वाला हूँ कि किस ट्रेड में क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, क्या आपकी एज होगी, क्या हाइट, वेट, चेस्ट, किस तरह से आपका फिजिकल होगा। मैं इन 5 पार्ट्स में आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर करा दूंगा कि आप रीजन के आप किस रीजन में रहने वाले हैं, आपको किस स्टेट से किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए कितनी हाइट, कितनी चेस्ट, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या रनिंग, क्या क्या आपको ज़रूरत होगी, और आप अगर NCC AB सर्टिफिकेट वाले हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके पास में कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो आपको कितने मार्क्स अवॉर्डेड किए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें एंड तक। और ये है हमारा 5 वीडियो की जो सीरीज है उसका पार्ट 4। 3 वीडियो में पब्लिश कर चुका हूँ, उन 3 वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से जाके आप उन वीडियो के लिए भी देख लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा वुमेन मिलिट्री पुलिस और रिलीजियस टीचर JCO, वुमेन मिलिट्री पुलिस और रिलीजियस टीचर JCO के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए जो रनिंग होगी वो 1.6 किलोमीटर ही होगी, जैसे कि और ट्रेड्स में होती है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग में कुछ एक्स्ट्रा टाइमिंग दी जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 7:30 में अगर आप अपनी 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करते हैं तो आपके लिए मिलेगी ग्रुप वन के लिए मार्क्स कितने दिए जाएंगे आपको, 60 मार्क्स। इसका मतलब अगर आपने अपनी 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7:30 से पहले आपने पूरी करती हैं आप, तो आप ग्रुप वन में आएंगी। ग्रुप वन के लिए मार्क्स कितने दिए जाएंगे, 60 मार्क्स, जो कि आपको रनिंग में फुल मार्क्स होते हैं। और आप 7:31 से 8 मिनट तक, मतलब अगर आप अपने रेस को 8 मिनट के अंदर पूरी करते हैं तो आप ग्रुप सेकंड में आएंगे और आपको मार्क्स दिए जाएंगे 48, ठीक है। और अगर आप 8 मिनट से ऊपर जाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो ये पिछले 2 सालों से इंडियन आर्मी की मिलिट्री पुलिस में लड़कियों की भी भर्ती होने लगी है, जिसमें वुमेन मिलिट्री पुलिस के तौर पे इनको भर्ती किया जाता है। तो यहाँ पर आपको रनिंग कितनी ज़रूरत है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में दोस्तों, ये जो लॉन्ग जंप और हाई जंप होती है ये आर्मी के किसी भी ट्रेड में नहीं मांगते हैं, केवल वुमेन मिलिट्री पुलिस में जो लड़कियां भर्ती देखती हैं केवल उन्हीं के लिए ये आवश्यक होती है क्वालिफाई करना। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं, अगर आप देखना चाह रहे हैं, आप अगर भर्ती देख रही हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस की, तो आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप भी अपनी तैयार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी दोस्तों लॉन्ग जंप होगी 10 फीट, जो कि दोस्तों बाकी जो आर्मी के ट्रेड्स हैं उनमें 9 फीट मांगी जाती है। और आपकी हाई जंप होनी चाहिए 3 फीट। 3 फीट दोस्तों आर्मी में कहीं पर भी नहीं मांगी जाती है, केवल एक ये ट्रेड ऐसी है सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस की, जिसमें आपको हाई जंप भी क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। तो हाई जंप आपकी 3 फीट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा 1.6 किलोमीटर रन फॉर रिलीजियस JCO, रिलीजियस टीचर JCO। तो अगर आप रिलीजियस टीचर JCO, जैसे कि धर्मगुरु बोलते हैं हिंदी में, अगर आप धर्मगुरु के पद के लिए भर्ती देखना चाहते हैं तो आपको जो रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर वो 8 मिनट में पूरी करनी होगी। आपके लिए इसको रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई होगी, आपके लिए केवल क्वालिफाई करना जरूरी होगी। इसमें आपको कोई भी ग्रुप, कोई भी नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, केवल अगर आपने रनिंग पूरी की 8 मिनट से पहले तो आप इसमें पास माने जाएंगे। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो की PDF फाइल को भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।